जयपुर के सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा लोगों से अपने ही घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही अपने घरों पर रहने की लगातार उनके द्वारा अपील की जा रही है। तो वहीं नरेगा ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों के पास मास्क तक नहीं है, प्रशासन भी अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से गरीब और असहाय लोगों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही। दादू हॉस्टल की व्यवस्थापक ने अपने हॉस्पिटल को राजकीय सेवा में देने की इच्छा जाहिर की है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। प्रशासन के द्वारा जाता है कोरोना वायरस से जाता है लड़ाई के लिए, रोकथाम के लिए सभी पूर्व तैयारियों के तहत जाता है। हम आइसोलेशन वार्ड होम क्वारंटाइन जाता है और किसी बीमार व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन करने के लिए उपखंड स्तर में जाता है, जगह भी चिन्हित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दादू द्वारा की तरफ से जाता है इतना शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है। इस हॉस्पिटल की 100 बेड की क्षमता है और सभी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। तो तीनों नज़दीकी जो कस्बे हैं, सांभर, खुद नरेना, फुलेरा और दुदू, इन चारों के आसपास क्षेत्र वाले सभी के लिए जाते हैं। हम पूर्व तैयारी के तहत इस चीज़ का निरीक्षण कर लिया है और ये तैयारी जाता है संतोषजनक है, सुविधाजनक है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे क्षेत्र में जाते हैं जिस प्रकार से लगे हुए हैं कि किसी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने का कोई अभी चांस नहीं है।